हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है आप है, बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी मैं चंदन सर आप सबका स्वागत करता हूं एच डी कैंपस के करंट अफेयर के क्लासेस में तो डियर एवरी वन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लाइक बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली हमारा करंट अफेयर का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हम अपने सेवेंथ जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को तो हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा तो सबसे पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन यहां पर आपसे एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है और वो है कि अभी हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है ठीक है तो हु हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन तो हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है शशि सिंह तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा तो ये है शशि सिंह और इनको अभी अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ यानी कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है प्रेसिडेंट बनाया गया है ठीक है ये एसोसिएशन हमारे देश में रबर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करती है याद रखिएगा बात रबर की हो रही है किसकी हो रही है रबड़ की हो रही है तो अब आइए थोड़ा रबड़ से रिलेटेड कुछ बैकडेट का करेंट अफेयर हम आपको रिविजन कराते हैं जैसे अभी भारत का पहला रबर का बना हुआ डैम यह कहां पर बनाया गया है तो भारत का पहला रबर का बना हुआ डैम यह बनाया गया है गया में गया में कौन से नदी के ऊपर तो फागु नदी के ऊपर तो बिहार में जो गया है वहां पर फागु नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है यह इंडिया का पहला रबर का बना हुआ डैम है ठीक है तो यह पॉइंट्स आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है दूसरा कि वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड रबर प्लांट ठीक है ये कहां पर लगाया गया है तो दुनिया का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड जो रबर का प्लांट है वो लगाया गया है असम में ये भी आपको याद रखना है और रबर हमको किससे प्राप्त होता है तो रबर हमको लेटेक्स से प्राप्त होता है ठीक है है ना तो रबड़ का जो पेड़ होता है, है ना उसकी छाल को हम लेटेक्स कहते हैं तो उसी लेटेस से हमको क्या प्राप्त होता है रबड़ प्राप्त होता है याद रखिएगा तो रबड़ जो है वो किससे हमें प्राप्त होता है तो लेटेक्स से प्राप्त होता है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप बाकी ऑप्शन को देखें तो अनीश साह, अभी इससे रिलेटेड मैंने 2023 में आपको करंट अफेयर पढ़ाया था कि अनीश साह, ये फिक्की के अभी चेयरमैन बने थे रघु श्रीनिवासन इनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था और नितिन गुप्ता जी की बात करें तो नितिन गुप्ता जो है इनको अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन बनाया गया था मैं आपको बता दूं अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ जिसको ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन कहते हैं इसका न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1945 में 1945 में हुई थी तो ये सारी बातें आपको याद रखना है भूलना नहीं है सुपर इंपॉर्टेंट है हम बढ़ते आगे अब हम आपको कुछ रिसर्च सेंटर आपको बैकडेट का रिविजन कराते हैं कि भारत में कौन कौन से फेमस रिसर्च सेंटर है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आइए एक बार रिवीजन करते हैं जैसे पूछेगा बताओ भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है मतलब इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है तो इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोजी केरल में पूछेगा बताओ चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां है लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है तो आप किस पर टिक लगाएंगे चेन्नई में अगर पूछेगा बताओ केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है मतलब सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है तो सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यह देहरादून उत्तराखंड में है आलू अनुसंधान केंद्र कहां है मतलब पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है गन्ना प्रजनन संस्थान यानी कि सुगर केन जो आपका ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है सुगर केन प्रजनन संस्थान यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में है डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार पूछा गया है कि डेयरी रिसर्च सेंटर कहां पर है तो ये आपका करनाल हरियाणा में है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है कटक उड़ीसा में बाजरा अनुसंधान केंद्र ठीक है तो बाजरा यानी कि मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपको कहां देखने को मिलेगा यह आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दाल अनुसंधान केंद्र यह कानपुर में है वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सब्जी अनुसंधान केंद्र यह आपका वाराणसी में है और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है यानी कि वन अनुसंधान केंद्र यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा यह आपको देहरादून में तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है तो ये वो सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अब हम बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हमारा अगला करंट अफेयर है कि अभी हाल ही में हिम तेंदुआ को एक एनिमल है जिसका नाम है हिम तेंदुआ आप देख रहे हैं यह बर्फ जो बर्फ वाली हिमालय पर्वत होती है है ना तो बर्फ वाले जो पहाड़ होते हैं वहां पर पाया जाता है यह हिम तेंदुआ खासकर जो हिमालय वाला जो रेंज है उसमें पाया जाता है हिम तेंदुआ तो अभी हाल ही में हिम तेंदुआ इनको अभी किसने राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है बताइए तो हु हैज डिक्लेयर द स्नो लियोपैड एज द नेशनल सिंबल तो बताइए किस देश ने अभी नेशनल सिंबल के रूप में स्नो लियोपैड को अपनाया है बताइए तो इसका राइट right आंसर होगा किर्गिस्तान तो सेंट्रल एशियन कंट्री जिसका नाम है किर्गिस्तान तो ये किर्गिस्तान जो है इन्होंने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्र प्रतीक के रूप में डिक्लेयर किया है उसको स्वीकार किया है समझ में आ गया तो ये पॉइंट आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट जैसे भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ ये भारत का राष्ट्र चिन्ह है राष्ट्र प्रतीक है राष्ट्र सिंबल सिंबल है सिंबल है नेशनल उसी प्रकार किर्गिस्तान का जो नेशनल सिंबल डिक्लेयर हुआ है वो है हिम तेंदुआ कौन हिम तेंदुआ स्नो ये आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है अब ये स्नो लियोपैड से रिलेटेड हम आपको कुछ बैक डेट का करेंट अफेयर रिविजन कराते हैं आपको पता होगा कि 2013 में जो स्नो लियोपैड के प्रोटेक्शन के लिए मतलब 2013 में 2013 में जो स्नो लियोपैड है हिम तेंदुआ है उसके संरक्षण के लिए किर्गिस्तान में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था उस घोषणा पत्र का नाम था बिस्केक घोषणा पत्र तो 2013 में किर्गिस्तान में स्नो लियोपैड के संरक्षण के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसका नाम था बिस्केक घोषणा पत्र याद रखिएगा और आपको पता है ये जो हिम तेंदुआ है इसका साइंटिफिक नेम क्या है हिम तेंदुआ जो है, इसका है इसका साइंटिफिक नेम आपका पेंथेरा पेंथेरा यूनिसिया तो पेंथेरा यूनिसिया ये आपका साइंटिफिक नेम है हिम तेंदुआ का याद रखिएगा आपको पता है अभी रिसेंटली जस्ट अभी रिसेंटली लद्दाख जो है वो अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया था किसको तो हिम तेंदुआ को तो यूनियन टेरिटरीज हमारा लद्दाख है उसने ही में प्रदेश ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है स्नोलियोपैडी है हिम तेंदुआ है याद रखिएगा आपको पता होगा अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने अपना एक स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था किसको तो उत्तर प्रदेश अभी राजकीय जो आपका जलीय जीव है स्टेट एक्वेटिक एनिमल वो डिक्लेयर किया था गंगा डॉल्फिन को याद रखिएगा और आपको पता एक घोल नाम की मछली है घोल नाम की एक फिश है मछली उसको अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है किसने गुजरात ने तो गुजरात सरकार ने घोल मछली को अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया था अभी हाल ही में तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने हिम तेंदुआ से रिलेटेड जो बैक डेट का करंट अफेयर है वो मैंने आपको रिवीजन करा दिया ठीक है अब कमेंट करके बताओ कि अभी हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच हमने एक एक्सरसाइज किया था उस एक्सरसाइज का नाम क्या है कमेंट करके बताइए हमने कई बार आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज वाला जब भी करंट अफेयर आता है तो मैं आपको इसके बारे में रिवीजन कराता हूं कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा एक एक्सरसाइज हुआ था हाल ही में बताइए तो उसका नाम है काजिंद क्या नाम है काजिंद एक्सरसाइज तो काजिंद एक्सरसाइज जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है है ना तो काजिंद एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच होता है तो भारत और किर्गिस्तान के बीच ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है है ठीक चलिए भूलिएगा नहीं ठीक है चलो अब हम बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर के तरफ ठीक है अब अगला क्वेश्चन जीआई आई से रिलेटेड है कहता है कि अभी हाल ही में किस राज्य की सिमली पाल काई चटनी को जीआई आई दिया गया है अच्छा तो बताइए सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है बताओ किसका तो कौन ऐसा राज्य है जिस किस राज्य का सिमलीपाल चटनी को जीआई टैग मिला है तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा तो सिमली पाल नेशनल पार्क आपको पता है कहां पर है उड़ीसा में है तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि सिमली पाल काई चटनी जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है यह कहां का है उड़ीसा का है ये देखिए एक चीटी है कहां पर उड़ीसा में उसका नाम है लाल चीटी तो ये लाल चीटी की चटनी बनाई जाती है लाल चीटी जो है ठीक है है ना रेड आंट तो लाल चींटी की ये चटनी बनती है ठीक है है ना कभी हम आप लोगों को खिलाएंगे ठीक है है ना हम तो खाए हैं इसको बड़ा टेस्टी लगता है एकदम मस्त लाल चीटी की चटनी ठीक है तो इसका नाम है सिमली पाल काई चटनी ये लाल चीटी का बनता है ठीक है एकदम मस्त देखिए एकदम प्लेट में एकदम तैयार करके रेडी किया गया है इसको आप लोग खाइएगा कंचन खाएगी थोड़ा हेल्दी हो जाएगी आराधना पांडे भी खाएगी थोड़ी और मोटी हो जाएगी ठीक है निशा को भी खाएगी तो थोड़ा और उसका बुद्धि बढ़ेगा लक्ष्य भी खाएंगे थोड़ा और बुद्धि तेज होगा आर ओ आर ओ का एग्जाम जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा ठीक है है कि नहीं तो ये है आपका सिमली पालकाई चटनी ये लाल चीटी का बना हुआ चटनी है ठीक है और इसको ये लाल चीटी का बना हुआ है और साथ ही साथ वहां के जो ट्राइबल्स लोग हैं आदिवासी लोग ये आदिवासी लोग उड़ीसा के जो है इसको ये चटनी को खूब बड़ी प्रेम से बड़े चाव से खाते हैं और आदिवासियों का कहना है कि इसमें प्रोटीन भी है कैल्शियम भी है आयरन भी है सबसे भरपूर है ये लाल चीटी की सिमली पालकाई चटनी तो इसलिए किए इसलिए इसको जी आई मिला है ये आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्या करेंगे पिछले एक साल में जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है आइए एक बार हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले एक सालों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है आइए एक बार हम उसका क्विक रिवीजन करते हैं जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा राजमा को जी टैग मिला था सुलाई शहद को जी आई मिला था रचौरी चिकरी लकड़ी सिल्प को 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 शिल्प को जी आई मिला था और कश्मीर के मुस्क बुद्धजी चावल को जी आई मिला था बसोहली पेंटिंग को जी आई मिला था जम्मू कश्मीर का पश्मीना शिल्प को जी आई मिला था उधमपुर जिले के कलहारी मिठाई को जी आई मिला तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा राजमा को जीआई टैग मिला सुलाई शहद को जीआई टैग मिला रचौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला कश्मीर के मुस्क चावल को जीआई टैग मिला बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला पश्मीना शिल्प और उधमपुर जिले के ठीक है कलहारी मिठाई को जीआई टैग मिला अभी गोवा के मान आम को जीआई टैग मिला था गोवा के बेबिका हलवा को जीआई टैग मिला था ठीक है तो यह पॉइंट आपको याद रखना है उसके बाद राजस्थान के कुछ फेमस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला बताइए जैसे राजस्थान में जोधपुर के बंधेज शिल्प को जीआई टैग मिला बीकानेर के उस्ता कला शिल्प को जीआई टैग मिला बीकानेर का कसीदकारी शिल्प को जीआई टैग मिला उदयपुर के कोफ्तकारी मेटल शिल्प को जीआई टैग मिला और नाथ द्वार के पछुआई पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है राजस्थान में तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक मिठाई है जिसका नाम है जेदेरी नाम मिठाई उसको जीआई टैग मिला चंदी बट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला तमिलनाडु का कन्याकुमारी मेटा कला को जीआई टैग मिला कन्याकुमारी का स्तलेम सागो जो एक साबुदाना है ठीक है उसको जीआई टैग मिला उसके बाद पनाग रूख जो ताड़ के रस से बना एक गुड़ है तो ताड़ के रस से बना गुड़ जिसका नाम है पनाग रूपपट्टी इसको जीआई टैग मिला तमिलनाडु का मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश के रेवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश का मुरैना के गजक को जी टैग मिला बिहार के मरचा चावल को जी टैग मिला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला जिसको जादुई चावल भी कहते हैं उड़ीसा के रायगढ़ा शॉल को जीआई टैग मिला और कोर कोरापुट के काला जीरा को भी जीआई टैग मिला जिसको चावल का राजा कहते हैं आंध्र प्रदेश के अत्रयापुरम पुथारे कूला मिठाई को जीआई टैग मिला अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी जो एक पनीर है उसको जीआई टैग मिला और उड़ीसा के केंद्रपाला जिले के रसबली मिठाई को भी जीआई टैग मिला तो पिछले एक साल में अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिल चुका है वो मैंने आपको यहां पर रिविजन करा दिया डियर एवरी ठीक है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और जी आई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इससे सवाल पूछे जाते हैं ठीक है हाँ बिहार का मरचा चावल को भी जी आई टेक मिला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ठीक है चलो तो ये सारी बातें आपको याद रखना है भूलना नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ और जी टैग एक्ट कब आया था भारत में तो जी टैग एक्ट ये कब बना था 1999 में और जीआई टैग ये लागू कब हुआ था तो जी टैग लागू जब हुआ था हमारे देश में दो में और भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था कौन से प्रोडक्ट को मिला था तो भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था आपका दार्जिलिंग की चाय को तो दार्जिलिंग की चाय कहा की है तो वेस्ट बंगाल की वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था कब 2004 में तो जीआई टैग एक्ट बना था 1999 को जीआई टैग लागू हुआ था 2003 में और जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले मिला था 2004 में बताओ 2023 में अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आप जवाब दो 2023 में कौन ऐसा राज्य है जिसके 18 प्रोडक्ट को एक ही दिन में टैग मिला है किस राज्य के 18 प्रोडक्ट को एक ही दिन में टैग मिला था बताइए बताओ 2023 का करेंट अफेयर मैंने पढ़ाया है जरा देखे कितने लोग सिद्धत से बैक डेट का करेंट अफेयर रिवीजन करते हैं एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है बताइए बताओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड मैंने आपको शायद पढ़ाया था पढ़ाया भी है अठारह प्रोडक्ट का नाम भी बताया था उसका पीडीएफ भी होगा आपके पास मैंने दिया है तो उत्तराखंड तो उत्तराखंड के 18 प्रोडक्ट को एक ही दिन में जी टैग मिला था यह आपको याद रखना है यूके होगा यूपी नहीं ठीक है तो यह पॉइंट्स आपको याद रखना है तो सेशन को आप लोग दबाकर लाइक कीजिए चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए लाइक बटन जरूर दबा दीजिए ठीक है है ना ताकि आपको मेरा डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे समय पर और आपका बैकडेट का भी करंट अफेयर रिविजन होता रहे क्योंकि करेंट अफेयर अगर आप बैकडेट का रिविजन नहीं करेंगे तो हंड्रेड परसेंट आप भूल जाएंगे ठीक है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अफेयर की तरफ हमारा अगला करेंट अफेयर है कि अभी हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हो गया है ठीक है जिसको हम स्काओ कहते हैं तो स्काओ की स्थापना कहां होगी तो ये दो देश में होगी ऑस्ट्रेलिया में भी और साउथ अफ्रीका में भी तो ध्यान से पढ़िए ये क्वेश्चन आपके लिए नया है अजूबा है हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना जिसको इंग्लिश में स्काउ कहते हैं ठीक है ठेके? तो स्काओ में शामिल हो गया पहली बार भारत विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है तो स्काओ की स्थापना कहां पर होगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में तो सर ये स्काउ क्या है स्काओ का फुल फॉर्म तो स्काओ का फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी तो अभी एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा बताओ अभी हाल ही में चर्चे में रहा स्काओ इसका पूरा नाम क्या है तो इस काओ का पूरा नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी पूछेगा बताओ अभी हाल ही में चर्चे में रहा स्काओ इस इसका संबंध किससे है तो आओ इसकी क्या है आइए इसको समझते हैं तो देखो भारत जो है यह विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्काओ उसमें शामिल हो गया है काउ का पूरा नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी तो इसमें क्या होगा इसमें एक हजार एंटीना लगाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत एक हजार एंटीना लगाया जाएगा और यह एंटीना क्या करेगा खगोलीय घटनाओं पर नजर रखेगा मतलब सूर्य चंद्रमा तारे गैलेक्सी एस्ट्रॉयड जो आकाश से पिंड है उस पर नजर रखेगा उसके हलचल को देखेगा ये समझ में आ गया बात को है ना है ना तो इन सभी चीजों पर नजर रखेगा आकाश की घटनाओं पर ठीक है खगोलीय घटनाओं पर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करेगा ये ठीक है तो स्का प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है तो इसके तहत बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए जाएंगे एक हजार टाइप का एंटीना वाला टेलीस्कोप सेटअप किया जाएगा और ब्रह्मांड में जो हलचल हो रहा है ब्रह्मांड में जो खगोलीय घटनाएं हैं उन पर नजर रखा जाएगा समझ में आ गया याद रखिएगा और स्काओ का हेडक्वार्टर कहां पर है तो ब्रिटेन में है कहां पर है ब्रिटेन में है याद रखिएगा तो इसी स्काओ इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है भारत सुपर इंपॉर्टेंट है तो पूछेगा बताओ अभी हाल ही में चर्चे में रहा स्काउ इस इसका संबंध किससे है तो चार ऑप्शन दे देगा तो आपको किस पे टिक लगाना है ये एक रेडियो टेलीस्कोप है ये क्या है इसका संबंध रेडियो टेलीस्कोप से है तो समझ में आ गया है क्या होता है तो यह आपको याद रखिएगा अब देखिए टेलीस्कोप की बात हो रही है तो अब पिछले एक साल में टेलीस्कोप से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर बने हैं आइए मैं आपको रिविजन करा देता हूं जैसे चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा सिंगल डिस रेडियो टेलीस्कोप है उसका नाम क्या है स्काई आई तो एग्जाम में ऐसे ही आएगा बताइए अभी हाल ही में चर्चे में रहा स्काई आई इसका संबंध किससे है ठीक है तो इसका संबंध है यह टेलीस्कोप से तो चाइना के पास विश्व का सबसे बड़ा सिंगल डिस रेडियो टेलीस्कोप है उसका नाम है स्काई आई और भारत में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का कहां पर स्थापित किया गया ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था तो भारत में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यह कहां पर स्थापित हुआ है जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है तो उत्तराखंड के स्थल में नैनीताल में याद रखिएगा और लीगो प्रोजेक्ट यह भारत में कहां पर स्थापित होगा तो महाराष्ट्र के हिंगोली में जो ग्रेविटेशनल वेब के बारे में स्टडी करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल वेब पर स्टडी करने के लिए लीगो प्रोजेक्ट यह भारत में कहां स्थापित होगा तो, तो महाराष्ट्र के हिंगोली में याद रखिएगा और किसने किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है तो पूरा याद रखेगा टेलीस्कोप से रिलेटेड जो बैक डेट का करेंट अफेयर्स था वो मैंने आपको रिविजन करा दिया डियर एवरीवन ये या आपको याद रखना है भूलना नहीं है सुपर इंपॉर्टेंट है हम बढ़ते आगे अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोण गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम को शुरू किया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द थाउजेंड 2024 प्रोग्राम तो इसका राइट आंसर होगा असम तो असम राज्य सरकार ने अपने राज्य के अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम तो सर ये गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम क्या है इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य यह है कि असम के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी है स्टूडेंट है छात्र और छात्राएं हैं करीबन चालीस हजार स्टूडेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं असम में उनका इवेल्यूशन करना उनका मूल्यांकन करना कि वो बच्चा सही से पढ़ रहा है कि नहीं कितना मार्क्स ला रहा है उनका कौन सा सब्जेक्ट वीक है जो सब्जेक्ट वीक है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए जो सब्जेक्ट और अच्छा है उसको और बेहतर बनाया जाए उनको किस चीज में रुचि है बच्चों को ठीक है है ना तो उससे रिलेटेड उसको और ट्रेंड किया जाएगा मतलब बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में तो असम के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है वहां जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं चालीस हजार से ज्यादा उनके उन पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा उनका इवेल्यूशन किया जाएगा वो सही से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं वो किस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है ठीक है है ना उनको क्या चाहिए क्या चीजें पसंद है उनका पूरा तरह से उनको अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाएगा इवेल्यूट किया जाएगा उनको ट्रेंड किया जाएगा उनके कमियों को दूर किया जाएगा उनके प्रॉब्लम को समझा जाएगा समझ में आ गया तो इसके लिए ठीक है गुणोत्सव दो कार्यक्रम ये असम के अंदर शुरू किया गया है तो ये आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है सर हम समझ गए अब आइए बात किसकी हो रही है बाबू लोग तो बात असम की हो रही है तो अब आइए आज हम पूरा असम से रिलेटेड जितना बैक डेट का करंट अफेयर है सिर्फ और सिर्फ असम तो असम का पूरा स्ट्रेटिकी जीके और असम का पूरा करंट अफेयर हम लोग रिविजन करते हैं तो आइए एक बार पूरा असम का रिलेटेड जितना बैक डेट का करंट अफेयर स्ट्रेटिकी जीके रिविजन करते हैं देखो असम में लोकसभा की चौदह सीटें हैं असम में राज्यसभा की सात सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। असम की कैपिटल है देशपुर असम के चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा असम के गवर्नर का नाम है गुलाब चंद कटारिया असम का स्टेट एनिमल है एक सिंह वाला गेंडा असम का स्टेट जो बर्ड है उसका नाम है वाइट विंग्ड उड डक याद रखिएगा व्हाइट विंग्ड उड डक असम का स्टेट ट्री का नाम है होलोंग असम का स्टेट जो फ्लावर है उसका नाम है फॉक्सटेल और or, असम का कौन कौन सा फोक डांस है असम के अंदर कौन कौन सा फोक डांस है एक है बीहू एक है आपका बगरुम्बा एक का नाम है भोर याद रखिएगा और असम का एक क्लासिकल डांस भी है भारत में आठ क्लासिकल डांस है जिसमें एक असम का भी क्लासिकल डांस है जिसको हम कहते हैं सत्रिया तो सत्रिया ये क्लासिकल डांस है ये कहां का क्लासिकल डांस है तो असम का है असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं तो एक तो बड़ा फेमस त्योहार है बिहू जो एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो साल में तीन बार मनाया जाता है ठीक है है ना तो एक जनवरी में अप्रैल में एगो, अक्टूबर में अक्टूबर मनाया जाता है रोंगाली बिहू कोंगाली बिहू और भोंगाली बिहू ठीक है तीन बार मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल कहां पर असम में और वांचुआ फेस्टिवल कहां मनाया जाता है वो भी असम में मनाया जाता है और बैखो उत्सव ये भी असम में मनाया जाता है असम का सातवा नेशनल पार्क असम का सातवा और देश का 106 नंबर का नेशनल पार्क ठीक है असम का सातवां और हमारे देश का 106 नंबर का नेशनल पार्क बना था देहिंग पटकाई नेशनल पार्क हमारे देश में टोटल कितने नेशनल पार्क है 106 तो असम के सेवेंथ नंबर का नेशनल पार्क और हमारे देश का वन नंबर का नेशनल पार्क ये कौन डिक्लेयर हुआ है तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क याद रखिएगा और असम का छठे नंबर का नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क उससे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में नामोरी नेशनल पार्क है असम में मानस नेशनल पार्क है असम में डिब्रू साई नेशनल पार्क है असम में और औरंग नेशनल पार्क है असम में तो ये सारे नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेंगे बाबू लोग असम में देखने को मिलेंगे ठीक है याद रखिएगा कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है तो आंख बंद करके टीक लगा दीजिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और एक सिंग वाला गेंडा यह असम का स्टेट एनिमल भी है तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है ठीक है याद रखिएगा सुपर इंपॉर्टेंट है अच्छा भारत का पहला तेल का कुआं यह कहां पर खोजा गया था डिगबोई असम में और भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज का नाम है भूपेन हजारी ब्रिज ये तो नया नाम है पहले इसको ढोल साडिया ब्रिज कहते थे इसका नाम बदलकर अब हो गया है भूपेन हजारी का ब्रिज ये 9.15 किलोमीटर लंबा है ये कहां पर है लोहित नदी के ऊपर जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है ठीक है तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी जो लोहित नदी है ठीक है इसी के ऊपर ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हजारी का ब्रिज जिसको पहले ढोल साडिया ब्रिज के नाम से जानते थे नाइन किलोमीटर लंबा है भारत के नक्शे में अगर आप देखिए तो असम आपको यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर असम है ठीक है भारत के नक्शे में असम यहां पर आपको देखने को मिलेगा समझ आया तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ठीक है ओके सुपर इंपॉर्टेंट है अब आइए अब हम लोग थोड़ा असम का करेंट अफेयर रिविजन करते थे रिविजन करते हैं अभी तो हम असम का जी के रिविजन किया अब असम का थोड़ा बैक डेट का करेंट अफेयर तो पूरे एक साल में असम का जितना भी करेंट अफेयर है असम से रिलेटेड करेंट अफेयर आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले जी टैग तो असम के असम के कौन से प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिला चोकुआ चावल जिसको जादुई चावल कहते हैं मुंह में लेते ही हजम हो जाएगा ठीक है हाँ उसको जादुई चावल कहते हैं चोकवा चावल तो असम के चोकुआ चावल को जादुई चावल को जीआई टैग मिला असम के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला असम के बोका चावल को जीआई टैग मिला तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला असम का और असम के मुख्यमंत्री जो है ठीक है उन्होंने राज्य के दूसरे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था उसका नाम था श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना इसको असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया असम के जितने भी राज्य कर्मचारी है उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना को शुरू किया गया है असम के गवर्नर जो है गुलाब चंद कटारिया उन्होंने सरपंच संवाद नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था देश के सभी सरपंच को ऑनलाइन जोड़ने के लिए और आपको पता है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट ये कौन देता है हमको ये एफ देता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है कोई ना कोई रेलवे स्टेशन को तो री आपका ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना था गुवाहाटी ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट ऐसे स्टेशन को दिया जाता है जिस स्टेशन में मिलने वाला जो फूड होता है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है उसमें कोई मिलावट नहीं होता है वो फूड होता होता है है न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है तरजा होता है ठीक है है ना अब पूरे तरह से हेल्दी होता है वो खाना तो ऐसा स्टेशन जहां पर हेल्दी फूड मिलता हो तो उसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट देता है कौन तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथरिटी ऑफ इंडिया तो पूर्वोत्तर राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जिसको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है याद रखिएगा और असम स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करने की घोषणा किया है तो असम राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि असम में जितने भी जिले हैं और वो जिला जो स्वच्छता अभियान में अपना बेहतर योगदान दिया है असम के अंदर तो उन जिला को दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा मोदी अवार्ड याद रखिएगा और डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला एयरपोर्ट बना है गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी कभी एयरपोर्ट से क्वेश्चन आ जाता है कि गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है तो गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में है दिसपुर मत बोलिएगा गुवाहाटी असम में है और यह जो है डीजी यात्रा सुविधा करने वाला पहला एयरपोर्ट है बोलेगा डीजी यात्रा क्या होता है तो फेस स्कैन करके आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगा फेस स्कैन करके आपको फ्लाइट में एंट्री मिलेगा तो इसी को कहते हैं डीजी यात्रा सुविधा मतलब आपका जो बोर्डिंग पास होगा वो फेस होगा तो फेस से स्कैन करके आपको एंट्री मिलेगा सोचिए तो क्या टेक्नोलॉजी है ठीक है तो डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला एयरपोर्ट बना है गोपीनाथ बोर्दोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखिएगा भाइयों और उनकी बहनों बैडमिंटन के लिए नेशनल एक्सेलेंस सेंटर यह कहां पर स्थापित हुआ है तो बैडमिंटन के लिए जो नेशनल नेशनल एक्सेलेंस सेंटर है यह गुवाहाटी में स्थापित हुआ था ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सेलेंस सेंटर कहां पर स्थापित होगा सिलोंग में ठीक है और भारत में पहली बार लुप्त प्राय मतलब इनडेंजर्ड हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन यह कहां पर किया गया तो असम में याद रखिएगा और भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित हुआ तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में यह भी आपको याद रखना है अच्छा अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन को असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था गजा कोथा अभियान ठीक है असम में लॉन्च किया गया गचह गजह कोथा अभियान ठीक है मतलब कि गजह मतलब हाथी हो गया हाथी लोग जो कभी कभी सड़क पे आ जाता है लोगों के झोपड़ी में घुस जाता है उसको तबाह कर देता है तो हाथी और मानव के बीच जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए गजा कोथा अभियान को असम में शुरू किया गया है असम में पहली बार पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा कहां से कहां तक तो नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर तो असम में पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा कहां से कहां तक तो नुमालीगढ़ से लेके गोहपुर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर और पूर्वोत्तर राज्य का पहला वंदे भारत ट्रेन तो वंदे भारत ट्रेन पूर्वोत्तर राज्य का पहला चला था असम के गुवाहाटी से वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक और देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा असम में याद रखिएगा असम के ही तो राइटर थे जिनको छप्पनवे फिफ्टी सिक्स नंबर का, का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जिसका नाम था नीलमणि फूकन इनका दो में डेथ भी हो गया है तो याद रखना फिफ्टी सिक्स नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता जिसका नाम है नीलमणि फुकन ये असमिया कवि थे इनका भी हाल ही में डेथ हो गया है याद रखिएगा और बताइए 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था बताइए वो कोंकणी राइटर थे गोवा के उसका नाम क्या है बताइए जिसको 57th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था बताइए उनका नाम क्या है ठीक है दामोदर मौजो तो पूछेगा 57th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला तो दामोदर मौजो को दामोदर मौजो को ये आपका Uh, कोंकणी राइटर है गोवा का भाषा को कोंकणी कहते हैं कोकड़ी राइटर है जबकि 57 सेवन फिफ्टी सिक्स नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था नीलमणि फुकन को इनका संबंध असम से है असम भाषा के कवि थी इनका डेथ भी हो गया ठीक है और एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन ये कहां पर स्थापित हुआ है तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जोरहाट से माजुली के बीच और गज उत्सव यह काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया था यह असम का एक एनजीओ है तपो ठीक है याद रखेगा तो सुनिए गज उत्सव ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया था याद रखिएगा और असम का एक एनजीओ है जिसका नाम है तपोबन तपोवन जिसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था याद रखेगा और चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप असम में हुआ था और कार्बी युवा महोत्सव ये असम में मनाया गया था सत्रह जनवरी को मनाया जाएगा तो कार्बी युवा महोत्सव यह असम में मनाया जाएगा सत्रह जनवरी को असम के कहां पर दीपू में और उसमें चीफ गेस्ट बन के आएंगे हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो कार्बी युवा महोत्सव यह असम में होगा सत्रह जनवरी को दीपू में जिसमें चीफ गेस्ट बन के आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक चिकित्सा पर संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ था गुवाहाटी में हुआ था याद रखेगा पूर्वोत्तर का, तो का पहला जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट श्ट है पूर्वोत्तर राज्य उसका पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनेगा असम में कानपुर जिले में सोनपुर में और आपको पता है अभी चीफ मिनिस्टर ने मतलब असम के जो चीफ मिनिस्टर है उसने डायरी नंबर वन नामक बुक को लॉन्च किया था याद रखिएगा तो चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर वन बुक ठीक है इसको किसने लॉन्च किया था तो रंजन गोगोई ने ठीक है रंजन गोगोई ठीक है ये असम असंक, असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे रंजन गोगोई तो उनके द्वारा ये चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर वन बुक लॉन्च किया गया दो हजार के लिए किसे मिलेगा असम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव तो असम राज्य का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है तो असम राज्य का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है तो असम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है तो आपका नाम है आपका क्या तो असम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है असम वैभव उससे सम्मानित किया गया डॉक्टर तपन सैकिया को ये कैंसर रोग विशेषज्ञ है ठीक है याद रखिएगा अच्छा परम कामरूप क्या है तो परम कामरूप एक सुपर कंप्यूटर है जो कहां पर स्थापित किया गया है असम के आईआईटी गुवाहाटी में और एडोब ऑफ यूनिकॉर्न यह काजीरंगा नेशनल पार्क में बनाया गया था इसमें अस जो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो एक सिंह वाला गेंडा है उसका सिंह को जलाकर एक सिंह मतलब कि एक क्या बनाया गया था गेंडा बनाया गया था उसका नाम था एडोब ऑफ यूनिकॉर्न यह काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है और दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज यात्रा यह वाराणसी से असम के डिब्रुगढ़ तक शुरू हुआ है 3200 किलोमीटर ठीक है और उसका नाम है गंगा विलास आपको कई बार मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है कि दुनिया का सबसे लंबा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू हुआ है उसका नाम है गंगा विलास और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला ठीक है सबसे पहला आखिरी राज्य कौन बना था तो असम ही बना था और भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर स्थापित किया गया असम में और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी असम ही बना था ठीक है यह पॉइंट आपको याद रखना है अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं उसका जवाब आप दीजिए कि बताओ अभी असम के किस कैंसर रोग विशेषज्ञ को कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं ना उसको ऑंकोलॉजिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं ऑंकोलॉजिस्ट ऑंकोलॉजिस्ट कहते हैं ठीक है तो याद रखिएगा ऑंकोलॉजिस्ट ध्यान तो से सुनिएगा तो कैंसर रोग विशेषज्ञ असम के कौन से कैंसर रोग विशेषज्ञ है जिनको अभी हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था रैमन मैक्सेज अवार्ड रैमन मैक्सेजे अवार्ड तो बताइए रैमन मैक्सेजे अवार्ड ये एक कैंसर रोग विशेषज्ञ जो असम के रहने वाले हैं उनको यह अवार्ड दिया गया था इसको रम, आ, रमन मैक्स रेमन मैक्स अवार्ड इसको एशिया का नोबेल प्राइस कहते हैं यह किसे मिला था रवि कन्नन को बहुत बढ़िया क्या नाम है रवि कन्नन बिल्कुल याद रखिएगा भूलिएगा नहीं चलिए क्लियर देखो बढ़ते आगे आगे, आगे अच्छा देखो असम का देखिये कुछ और भी करंट अफेयर भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था ई फिश असम भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप जिसका नाम है फिश वाले इसको असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और अभी असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिक मॉडिफाइड रबड़ का पौधा भी लगाया गया था मैंने अभी बताया भी था याद रखिएगा और असम का सातवां नेशनल पार्क देहिंगपट पटकाई नेशनल पार्क है ठीक है तो ये सारी बातें आपको याद रखना आपको सब पता है चलिए अगला सवाल हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का पूरा नाम तो हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है तो उसका नाम है रश्मि शुक्ला रश्मि शुक्ला का नाम आप पहले भी सुने थे सर कहां सुने थे तो ये सीमा सुरक्षा बल की डायरेक्टर जनरल भी थी सीमा सुरक्षा बल की डायरेक्टर जनरल कौन तो आपका कौन थी तो आपका यही तो बनी थी इनका नाम है रश्मि शुक्ला ठीक है सीमा सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं उसकी ड्यूटी भारत नेपाल के बॉर्डर पर और भारत भूटान के बॉर्डर पर होती है याद रखिएगा तो सीमा सुरक्षा बल की फर्स्ट वॉमेन डायरेक्टर जनरल भी यही बनी थी रश्मि शुक्ला अब इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है महाराष्ट्र की ये फर्स्ट वॉमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और नीना सिंह नीना तो नीना सिंह अभी करंट अफेयर में हाईलाइटेड रही है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का पूरा नाम है तो सीआईएसएफ की फर्स्ट वॉमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है तो सीआईएसएफ की फर्स्ट वॉमेन डायरेक्टर जनरल बनी है नीना सिंह याद रखिएगा और डॉक्टर सोनाली घोष याद आ रहा है डॉक्टर सोनाली घोष बहुत दिन के बाद यह नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है उसकी फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर बनी है फर्स्ट वॉमेन रीजनल डायरेक्टर तो काजीरंगा नेशनल पार्क की फर्स्ट वॉमेन रीजनल डायरेक्टर बनी डॉक्टर सोनाली घोष और जया वर्मा सिन्हा तो आपके हीमोग्लोबिन में समा गया है ठीक है है ये कौन है? तो रेलवे बोर्ड की फर्स्ट वॉमेन चेयरमैन एंड सीईओ है तो रेलवे बोर्ड की फर्स्ट चेयरमैन एंड सीईओ उसका नाम क्या है जया वर्मा सिन्हा तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट है सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग आगे अपने नेक्स्ट अफेयर तरफ अब अब आइए पिछले एक साल में वो सभी महिलाएं जो करेंट अफेयर में हाईलाइटेड है एक बार फिर से वही वाला सीट रिवीजन करते हैं और आप बताना कि ये सीट में कितना आंसर आपको पहले से याद था ठीक है चलिए आपको बार बार हम ये सीट रिवीजन कराते हैं आज फिर रिवीजन कराएंगे तो वो सभी महिलाएं जो करंट अफेयर में हाईलाइटेड रही है आइए एक बार रिवीजन करते हैं जैसे गीतिका श्रीवास्तव तो गीतिका श्रीवास्तव ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला हाई कमिश्नर बनी थी और कल जब आपको उत्तर प्रदेश जीके पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि बताओ गीतिका श्रीवास्तव का, का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है तो ये बस्ती से संबंधित है उत्तर प्रदेश के बस्ती से बिलोंग करती है सोचिए है ना तो गीतिका श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश के बस्ती से बिलोंग करती है ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला हाई कमिश्नर बनी है, ठीक है और जया वर्मा सिन्हा तो आप जानते है, की बनी है। अमेरिका का जो नेवी है ठीक है उसकी फर्स्ट वॉमेन चीफ बनी है फ्रेंचेटी। का जो सेंट्रल बैंक है उसकी फर्स्ट वॉमेन गवर्नर बनी थी मिशेल बुलौक। मिशेल बुलौक, याद रखिएगा मैंने पढ़ाया है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वॉमेन सेक्रेटरी जनरल बनी थी याद रखिएगा परमिंदर चोपड़ा आ हा 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 परमिंदर चोपड़ा ये इंडिया की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसकी फर्स्ट वॉमेन चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी ये आपको याद रखना है दीपिका मिश्रा दीपिका मिश्रा दीपिका पादुकोण की बात नहीं कर रहे हम दीपिका मिश्रा ये वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी थी बाढ़ में लोगों को बचाई थी उसके लिए ग्लैंड्री अवार्ड मिला था तो इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वॉमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिसका नाम है दीपिका मिश्रा उसको ग्लेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया याद रखिएगा सेशन को आप लोग दबाकर लाइक कीजिए चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए सुरेखा यादव ये तो आपके हीमोग्लोबिन में समा चुका है सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली फर्स्ट एशिया की वोमेन लोको पायलट बनी है शिवांगी सिंह यह राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने वाली फर्स्ट इंडियन पायलट बनी है तो राफेल फाइटर प्लेन ये हमने फ्रांस के डसाल्ट से खरीदा था तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है शिवांगी सिंह और अवनी चतुर्वेदी ये सुखोई लड़ाकू विमान जो हम रशिया से खरीदे थे उसको उड़ाने वाली फर्स्ट भारत की पहली महिला बनी है अवनी चतुर्वेदी विजय लक्ष्मी रमन ये इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वोमन ऑफिसर थी जिनका भी हाल ही में डेथ हो गया नंदनी गुप्ता नंदनी गुप्ता ये मिस इंडिया 2023 का टाइटल जीत चुकी है सीवा चौहान ये सियाचिन में एक्टिव रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी सुरभि जखमोला ये अभी फॉरेन प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक उसमें तैनात होने वाली पहली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी है नल्ला थंबी कलाई सेल्वी बहुत इंपॉर्टेंट है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की फर्स्ट वॉमेन डायरेक्टर जनरल बनी है याद रखिएगा मेघना अहलावत याद रखिएगा मेघना अहलावत ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट वॉमेन चेयरमैन बनी है याद रखिएगा पायल छाबड़ा ये पैरा कमांडो बनने वाली फर्स्ट वॉमेन आर्मी सर्जन बनी है स्वाति नायक ये नॉर्मन ई बोर्लॉक फील्ड अवार्ड 2023 इनको मिला था आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला वॉमेन पुलिस स्टेशन कौन बना था तो भोपाल और साधना सक्सेना नायर ये मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी है और देश की पहली महिला एयरपोर्ट वॉमेन फायर फाइटर का नाम क्या है तो दिशा नायक तो देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर का नाम है दिशा नायक याद रखिएगा सुपर इंपॉर्टेंट है और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी थी गीतिका कॉल और इंडियन एयरफोर्स में फर्स्ट वॉमेन पायलट कौन बनी थी पदमा बंदोपाध्याय और भारतीय नौसेना में युद्धपोत ठीक है युद्ध पोत जो है ठीक है उसकी कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है उनका नाम है प्रेरणा देवस्थली और उसने कौन सा युद्ध पोत वॉरसिप संभाला है उसका नाम है आई एन एस त्रिकंद आई एन एस त्रिकंद ये आपको याद रखना है और सीआईएसएफ की अभी पहली महिला वोमेंट डायरेक्टर जनरल बनी है नीना सिंह ये भी पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है सुपर इंपॉर्टेंट है हम बढ़ते आगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है तो उस पोर्टल का नाम है तुअर दाल खरीद पोर्टल तो तुअर दाल खरीद पोर्टल नाम का एक पोर्टल है जिसको हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है इसका उद्देश्य क्या होगा इसका उद्देश्य है कि इस पोर्टल की मदद से जो किसान भाई है या किसान बहने हैं वो दाल को ऑनलाइन बेच सकेगी तो जो दाल के किसान है जो दाल का उत्पादन किए हैं अपने खेतों में उड़द की दाल मूंग की दाल अरहर की दाल जो भी दाल है उस दाल को वो ऑनलाइन बेच सके किसान भाई बहन तो उनके लिए हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है तूर दाल ठीक है परचेज पोर्टल तो तूर दाल परचेज पोर्टल या तुअर दाल खरीद पोर्टल इसको होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया कहां से तो विज्ञान भवन नई दिल्ली से ठीक है जिसके मदद से कोई भी किसान अपने दाल को ऑनलाइन बेच सकेगा अब ये पोर्टल की बात हो रही है तो अभी कौन कौन से पोर्टल अभी रिसेंटली पिछले छह महीने में लॉन्च किए गए हैं आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे अभी भूमि राशि पोर्टल तो भूमि राशि पोर्टल को हमारा सड़क और परिवहन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो नितिन गडकरी है हमारे देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसने लॉन्च किया है भूमि राशि पोर्टल और इस पोर्टल के माध्यम से हम जल्द से जल्द जमीन को एक्वायर करेंगे और सड़क का कर निर्माण करेंगे हाईवे एक्सप्रेस बनाएंगे प्रोजेक्ट प्रयास उसको वर्ल्ड प्रवासन मतलब वर्ल्ड माइग्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है ई अमृत एप्लीकेशन ई अमृत एप्लीकेशन को नीति आयोग लॉन्च किया था ई e वेकल्स को बढ़ावा देने के लिए तो ई e वेकल्स को बढ़ावा देने के लिए ई e अमृत पोर्टल को नीति आयोग ने लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत सारा पोर्टल लॉन्च किया था जैसे सुस्वागतम पोर्टल ठीक मतलब है ताकि लोग तो तो पोर्टल किया है सुप्रीम कोर्ट ने सुपेश पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया फास्टर पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया और सुवास पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया सुपेश जो पोर्टल है इस पोर्टल के मदद से हम सारे जितने भी केसेस है जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में उसको ऑनलाइन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसके लिए सुपेस पोर्टल है फास्टर पोर्टल का मतलब होता है कि इस पोर्टल के मदद से सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी कैदी को जमानत देता है किसी भी कैदी को जमानत देता है तो तुरंत वो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जेलर के पास पहुंच जाएगा जहां पर वो कैदी बंद है तुरंत ताकि उसका रिहाई तुरंत हो सके उसको जमानत तुरंत मिल सके तो उसके लिए फास्टर पोर्टल को लॉन्च किया है और सुवास पोर्टल ये मैंने आपको बताया था सुवास तो ये जो सुवास पोर्टल है ये पोर्टल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी जजमेंट को ग्यारह लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ठीक है लिए सुवास पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है निदान पोर्टल ये कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया था याद रखिएगा नार्स कंट्रोल ब्यूरो ये हमारे देश के अंदर क्या करती है ठीक है नशीले पदार्थों का जो सेवन हो रहा है व्यापार हो रहा है उस पर नजर रखती है तो उसके लिए निदान पोर्टल को लॉन्च किया था नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी पाटो मित्र ऐप को वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया उद्गम पोर्टल आरबीआई लॉन्च किया था अभी राजस्थान पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा है उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों लॉन्च किया तो इस पोर्टल के मदद से जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को जल्द से जल्द सेटल किया जाएगा ठीक है मतलब कि जो बेनामी जो खाता है बैंक में ठीक है उस पर नजर रखा जाएगा उस पर निपटान किया जाएगा फटाफट -फड़। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट को तुरंत सॉर्ट आउट करने के लिए उद्गम पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उद्भव इसको भारतीय सेना ने लॉन्च किया और इसरो ने अपना खुद का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर बनाया है जहां पर वो अपने सारे सैटेलाइट और रॉकेट का एक बार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर उसको डिजाइन करने के लिए एक फिस्ट नाम का सॉफ्टवेयर इसरो ने बनाया है इसमें फिस्ट का पूरा नाम है फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इसको इसरो डेवलप किया है ठीक है ताकि इसरो कोई भी रॉकेट या सैटेलाइट बना रहा हो तो सबसे पहले उसको वो डिजिटल रूप में वर्चुअल रूप में वो आपका पूरा का पूरा सैटेलाइट या रॉकेट को डिजाइन करेगा उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकल तरीके से बनाएगा फिजिकल रूप में ठीक है याद रखिएगा और ये कुछ फेमस एप्लीकेशन और पोर्टल है जो मैंने आपको एक बार में बता दिया है जैसे सरपंच संवाद एप्लीकेशन इसको असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया है पूरे देश के सरपंच को डिजिटल नेटवर्क देने के लिए फ्लड वाच एप्लीकेशन इसको सेंट्रल वाटर कमीशन लॉन्च किया है बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है यूजर्स के लिए उद्गम पोर्टल को आरबीआई लॉन्च किया सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट उल्लास एप्लीकेशन को शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था बेसिक एजुकेशन देने के लिए मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन को आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज़ ने लॉन्च किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, के जम्मू कश्मीर के स्कीम्स को जनता तक पहुंचाने के लिए ठीक है तो ये सब अलग अलग प्रकार के झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार लॉन्च किया था झारखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पोर्टल है जो मैंने यहां पर लिखा है आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा लिस्ट है इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल चंदन सर करेंट अफेयर पर दे देते हैं तो जो भी नए कैंडिडेट है जो पहली बार मेरा करेंट अफेयर का क्लास कर रहा है उनको बोल रहे हैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा चंदन सर करेंट अफेयर सारा पीडीएफ उसी में जाएगा तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट पोर्टल्स है इसको किसने लॉन्च इसका क्या काम है वो मैंने आपको बता दिया है है ठीक लकी बिल एप, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था लकी बिल ऐप राज्य सरकार ने लॉन्च किया था केरल गवर्नमेंट ने जीएसटी का जो चोरी हो रहा है उस पर नजर रखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स ये कहां पर हुआ है? तो एक इंपॉर्टेंट गेम है जिसका नाम है पहली बार ये हुआ है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम एकदम आइलैंड पर होगा बीच में होगा है ना समंदर का जो किनारे है वहीं पर होगा ठीक है तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम यह कहां पर शुरू हुआ है तो दीव में है ना दमन और दीव तो वहीं पर दीव में इसको शुरू किया गया है और दीव में कहां पर तो घोघला बीच में घोघला बीच चार से छह जनवरी तक यह चला है और इसमें अंडर ट्वेंटी वन स्पोर्ट्स पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मतलब वो स्पोर्ट्स पर्सन जिसका एज इक्कीस साल तक के अंदर हो वही सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इसमें आठ गेम्स होंगे सात दिनों तक चलेगा और इसका जो लास्ट होगा ये आपका आई ठीक है खुखरी मेमोरियल में होगा इसका लास्ट जो गेम होगा वो आई एन खुखरी मेमोरियल में तो याद रखिएगा देश में पहली बार एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है जिसका नाम है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम ये कहां पर हुआ? दीव में हुआ दीव में कहा हुआ तो घोघला बीच में कब से कब तक चार से 6 जनवरी तक इसमें इस यह आपको याद रखना है अब देखो गेम्स की बात हो रही है तो आपको कुछ गेम्स लास्ट डेट का बैक डेट का कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स आपको याद दिलाते हैं देखो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पांचवें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था पांचवें कहां पर हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में जिसका मैस्कॉट था आशा और आशा रिप्रेजेंट करता है चीता को ठीक है और इसका थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो ठीक है और इस पे टॉप पर कौन था महाराष्ट्र 56 गोल्ड मेडल जीता था सेकंड पे हरियाणा था थर्ड पे मध्य प्रदेश और छठे नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ गेम जनवरी 2024 में होगा यह कहा होगा तमिलनाडु में और तीसरा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का याद है ना तो तीसरा संस्करण थर्ड एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दो में यह उत्तर प्रदेश में हुआ था तो उत्तर प्रदेश में तीसरा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था इसका फाइनल लखनऊ में हुआ था ठीक है और इसका मैस्कॉट था जीतू जीतू रिप्रेजेंट करता है बारा सिंघा को जो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है और इसका एंथम सॉन्ग था खेलो इंडिया हर दिल में देश इस पे टॉप पर था पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने 26 गोल्ड मेडल जीता था सेकंड पे था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो 24 गोल्ड मेडल जीता था और थर्ड पे था जैन यूनिवर्सिटी जो 16 गोल्ड मेडल जीता था और तीसरे नंबर का जो खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन हुआ था वो लेह लद्दाख में इसमें टॉप पर था जम्मू कश्मीर और पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाला पहला एथलीट का नाम बताइए तो पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाला पहला एथलीट का नाम है देवेंद्र झाझड़िया जिनका संबंध थ्रो से है और पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी तो अवनी लेखरा इनका संबंध शूटिंग से है राजस्थान और आपको पता है ना अभी दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ था तो दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ था जिसका मैस्कॉट था उज्ज्वला याद है ना उज्ज्वला उज्ज्वला रिप्रेजेंट करता है आपका किसको तो चिड़िया को स्पैरो को याद रखिएगा इसका आयोजन कहां पर हुआ था दिल्ली में 10 से लेकर 17 दिसंबर तक इस पर टॉप पर रहा था हरियाणा 40 गोल्ड मेडल जीता था सेकंड पे यूपी 25 गोल्ड मेडल जीता था और थर्ड पे तमिलनाडु याद रखिएगा और छठे नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ गेम छठे नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा जनवरी दो में वो तमिलनाडु में होगा तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और आपको पता है ये फोर्थ नंबर का पैरा एशियन गेम भी तो हुआ था पैरा एशियन गेम ये चाइना के होंगझोउ में हुआ था ठीक है जिसमें जिसका मैस्कॉट था फेई फेई ये 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हुआ था जिसका थीम था हर्ट टू हर्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर है ना और इसमें ये जो पैरा एशियन गेम है ठीक है पैरा एशियन गेम 2022 वाला जो 2023 में हुआ था उसमें भारत जो है वो ट्विटर टोटल इसमें 111 मेडल जीता था जिसमें 29 गोल्ड 31 सिल्वर और 51 वन ब्रॉन्ज है टॉप पर था चाइना सेकंड पे था ईरान थर्ड पे जापान फोर्थ पे साउथ कोरिया और पांचवें नंबर पे भारत यानी कि पदक तालिका में भारत इसमें पांचवें नंबर पे था जबकि नाइनटीन एशियन गेम की बात करें ये तो पैरा एशियन गेम की बात हो गई नाइनटीन नंबर का जो एशियन गेम हुआ था वो चाइना के हॉन्गजो में हुआ था तेईस सितंबर से आठ अक्टूबर तक और उसमें भारत टोटल 107 मेडल जीता था पहली बार भारत 100 से ज्यादा पदक जीता था एशियन गेम में 107 मेडल याद रखिएगा और ये जो 107 मेडल भारत जीता है ठीक है सुपर इंपॉर्टेंट है इसमें भारत टोटल कितना आपका 38 28 गोल्ड मेडल 38 सिल्वर मेडल और 41 वन ब्रॉन्ज मेडल जीता 28 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल जीता था और पदक तालिका में मेडल टैली में भारत जो है वो नाइनटीन एशियन गेम में कितने नंबर पे था फोर्थ नंबर पे था। याद रखिएगा एशियन गेम में में भारत पदक तालिका मेडल टेली में फोर्थ नंबर पे था जबकि पैरा एशियन गेम में भारत जो है मेडल टेली में पदक तालिका में पांचवें नंबर पे था ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है कई बार हम आपको रिवीजन कराते हैं ताकि आपको सब याद रहे समझ में आया हाँ हाल ही में डिजिटल सेंगे वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है तो वो बना है फ्रांस अब आप बोलेंगे सर ये कौन वीजा होता है डिजिटल सेंगे वीजा देखो सेंगे वीजा एक ऐसा वीजा होता है जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है आपको पता है यूरोपियन यूनियन में 27 देश है पढ़ाया था ना मैंने कि G20 जब हम आपको पढ़ाते तो बोलते देखो बाबू G20 में कितने देश है तो G20 में एक तरफ तो 19 देश है कुछ एशिया के कुछ नॉर्थ अमेरिका के कुछ साउथ अमेरिका के है ना तो 19 देश है ठीक है और 19 देश देश और 27 देश आपके किसके यूरोपियन यूनियन के हैं है? तो यही यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है जिसका बेल्जियम ब्रुसेल्स में है तो ये जो यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश है इन सभी सत्ताईस देशों को एक स्पेशल वीजा जारी किया जाता है जिसका नाम है Schengen वीजा जिसका नाम क्या है Schengen वीजा जिसका नाम है गन वीजा तो सेंगन वीजा का संबंध किससे है तो यूरोपियन यूरोपियन कंट्री जितने भी है तो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश है उनको जारी किया जाता है सेंगे वीजा ठीक है अगर आपको सेंगन वीजा जारी हो गया तो आग, आप मान लीजिए आप फ्रांस के हैं या आप मान लीजिए इटली के हैं तो आपको सेंगन वीजा जारी हो गया ठीक है सेंगन वीजा सिर्फ यूरोपियन यूनियन के कंट्री मेंबर को जारी किया जाता है तो अगर आपको सेंगन वीजा जारी हो गया है तो आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में एंट्री ले सकते हैं वीजा जारी हो गया तो आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में एंट्री ले सकते हैं यह फायदा है तो लेकिन यह पहले फिजिकल फॉर्म में जारी होता था अब डिजिटल फॉर्म में जारी हुआ है तो पूछ रहा है है कि पहला वो देश कौन है जो डिजिटल रूप में सेंगेन वीजा को जारी करने वाला पहला यूरोप का देश बना है तो वो है आपका फ्रांस तो फ्रांस दुनिया का पहला दे... फ्रांस जो है ये यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश है उसमें फ्रांस पहला देश है जिसने वीजा को डिजिटल रूप में जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है या यूरोपियन यूनियन का पहला देश बना है या आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है बात फ्रांस की हो रही है तो आइए थोड़ा जानते हैं फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और पेरिस से आपको याद आएगा क्या याद आएगा कि दो में जो आपका समर ओलंपिक होगा होता है ना समर ओलंपिक ये इस बार का संस्करण होगा थर्टी थ्री क्योंकि बत्तीसवां संस्करण तो 2021 में हो गया था जापान टोकियो में तो इस बार का थर्टी थ्री एडिशन होगा तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और ये जो पेरिस है यहां पर 2024 में समर ओलंपिक का आयोजन भी होगा इसकी करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है इमेनुअल मैक्रोन और इमेनुअल मैक्रोन अभी करेंट अफेयर में भी हाईलाइटेड है क्यों क्योंकि 2024 में यानी कि अभी 2024 में जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे हम जो गणतंत्र दिवस मनाएंगे उसके चीफ गेस्ट कौन होंगे तो 2024 का रिपब्लिक डे का जो चीफ गेस्ट होंगे वो कौन होंगे तो वो होंगे कौन तो वो होंगे कौन तो वो होंगे, होंगे इमेनुअल मैक्रॉन और अभी 26वें नंबर का 26 एडिशन का जो वर्ल्ड वोमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ था ट्वेंटी तो सिक्स एडिशन का जो वर्ल्ड वॉमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ था उसको फ्रांस जीता था नॉर्वे को हराकर और प्रधानमंत्री मोदी जी जब फ्रांस की यात्रा में गए थे तो उनको फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित किया गया था और फ्रांस के साथ हमने एक नेवल एक्सरसाइज भी अभी हाल ही में किया था उसका नाम था फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज यह इंडिया और फ्रांस के नेवी के बीच हुआ था कहां पर हुआ था भाई और उनकी बहनों तो तिरुवनंतपुरम में और याद कीजिए 2022 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था जो संस्करण था है ना उसमें कहां पर हुआ था ये कतर की कैपिटल दोहा में तो 2022 में जो आपका फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसको अर्जेंटीना जीत गया था फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना जीत गया था फ्रांस को हराकर तो यह पॉइंट आपको याद रखना है सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए और आज का आखिरी सवाल कि हाल ही में एथलीट ऑफ़ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है तो विराट कोहली को मतलब सबसे मोस्ट पॉपुलर पर्सन 2023 में जो भारत में लोगों ने सबसे ज्यादा इस आदमी को पसंद किया कि नहीं ये सबसे पॉपुलर रहे हैं पूरे 2023 में तो वह विराट कोहली अभी थर्टींथ नंबर का जो मेन्स वनडे वर्ल्ड कप हुआ था जिसको ऑस्ट्रेलिया जीत गया भारत को हराकर उसमें ओडीआई में मतलब कि वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 50 शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन बने तो विराट कोहली बने इनका जो है विराट कोहली जी का भी मोम का बना हुआ प्रतिमा कहाँ पर स्थापित किया गया है तो आपका वैक्स म्यूजियम जयपुर में ये भी आपको याद रखना है तो बस आज की करेंट अफेयर की क्लासेस यहीं पर समाप्त होती है डियर एवरी तो थैंक यू एवरी तो देखिए अब से आप लोग की चैनल इसी पर चला करेगी ये हमारा एस कैंपस का चैनल है एस डी कैंपस इसी पे आप लोग का करेंट अफेयर का क्लासेस होगा डेली करेंट अफेयर की क्लासेस डेली करेंट अफेयर की क्लासेस जो होगी वो मॉर्निंग सुबह साढ़े सात बजे तो ठीक है तो डेली सुबह साढ़े सात से नौ बजे के बीच आपकी करेंट अफेयर की क्लासेस होगी डेली करेंट अफेयर की क्लासेस होगी ठीक है साढ़े सात से नौ बजे तक चलेगा ठीक है है ना और सुबह दस बजे से लेकर ग्यारह बजे के बीच सुबह 10 से 11 बजे के बीच हम लोग उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश का करेंट अफेयर पढ़ेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश जीके उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर उत्तर प्रदेश जीके उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर दोनों चलेगा ठीक है सुबह साढ़े सात से नौ के बीच जनरल करेंट अफेयर देश दुनिया वाला विथ बैक डेट रिविजन और दस से ग्यारह के बीच यूपी जीके और करेंट अफेयर चलेगा तो क्या सर आज चलेगा यूपी जीके के दस तो बजने वाला है तो आज नहीं चलेगा क्योंकि आज संडे है ठीक है तो संडे को नहीं चलेगा ठीक है बाकी फिर मंडे से यानी कि कल से चलेगा समझ में आ गया ओके okay? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने का हैबिट लग गया है तो अब रेगुलर आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर बाबू लोग क्योंकि करंट अफेयर अगर आप एक बार छोड़ दिए तो पूरा रिदम आपका गड़बड़ा जाएगा क्योंकि हर करंट अफेयर एक दूसरे से लिंक होता है समझ में आ गया तो कैसा लगा आपको आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट आप सबको बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं कल सुबह सेवन थर्टी एम पर अपने डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट ऑफ्स सबको बेस्ट ऑफ लक